हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि अगर गायनेकोमेक्टोमी सर्जरी ना कराई जाए तो क्या हो सकता है। आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ जो कि रेगुलरली गायनेकोमेक्टोमी सर्जरी करता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि जैसा आपने भी पुराने वीडियो में देखा होगा गायनेकोमेक्टोमी होता क्या है। गायनेकोमेक्टोमी में बेसिकली ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है, जो कि फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो फीमेल लाइक ब्रेस्ट हो जाता है। तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से फीमेल लाइक ब्रेस्ट होता है। बेसिकली गायनेकोमेक्टोमी प्रॉब्लम उन लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है जो जिम जाते हैं, उसमें हार्मोन लेते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्लैंड बढ़ जाती है, और एक बार ग्लैंड बढ़ जाए तो वो ग्लैंड घटती नहीं है। तो बेसिकली अगर गायनेकोमेक्टोमी ग्रेड 1 है तो समय के साथ धीरे धीरे उसका राउंड फैट जम जाता है और ग्लैंड भी बढ़ जाती है तो ग्रेड 4 तक पहुंच जाता है। तो अगर गायनेकोमेक्टोमी का इलाज ना कराया जाए तो धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाता है और ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर गायनेकोमेक्टोमी सर्जरी ना कराया जाए, ऐसे इलाज ना कराया जाए तो क्या होगा। अगर गायनेकोमेक्टोमी, आप खुद सोचिए, अगर गायनेकोमेक्टोमी का इलाज ना कराएं तो क्या आप इस ब्रेस के साथ कंफर्टेबल हैं टी शर्ट पहनने में या स्विमिंग पूल में जाने में या अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ रहने में। तो जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि आप ये मानसिक प्रताड़ना कब तक झेलेंगे और इसको कब तक सहते रहेंगे, क्योंकि आपके दोस्त जो यार होते हैं वो आपको परेशान करते रहते हैं इस प्रॉब्लम से लेके। तो मेरा ये कहना है कि गायनेकोमेक्टोमी अगर प्रॉब्लम है तो इसका इलाज संभव है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है लाइपोसक्शन, ग्लैंड एक्सिजन, जिसे निशान में नहीं आता और उसमें आपको ये इलाज करा लेना चाहिए। तो आपका जवाब मुझे लगता है मिल गया होगा। आप खुद ही सोचिए कि आपको अगर इस ब्रेस्ट के साथ अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, आउटडोर में नहीं जा सकते, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कपड़े नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट रहते हैं जिन्होंने बोलते हैं कि हम बहुत दिनों से टी शर्ट नहीं पहने हुए, तो आपको क्या इस चीज़ से आप जीना चाहोगे। तो आपको ये इस चीज़ को आपको खुद डिसाइड करना है कि इसको इसके साथ मैं जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ। अगर नहीं जी सकते तो इसका इलाज संभव है, आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।